हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा फिर आपके सामने। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। तो अब बेसिकली आज हम जो पढ़ना जा रहे हैं कि वो कॉज पढ़ना चाह रहे हैं कि एनर्जी जो करंट को फ्लो करने के लिए आती है किसी भी मटेरियल में, तो वो कहाँ से आती है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों, हमारे पास में नेचर के अंदर, हमारे आसपास के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो फ्लो करती हैं। सबसे पहली चीज़ फ्लो करती है फ्लूड। फ्लूड यानी कि लिक्विड और गैसेस, दे फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब देखिए, आप लोगों ने देखा है मैंने एक विंटर क्लोथ्स पहन रखे हैं। क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास में आसपास जो है, तो अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में बाहर का टेम्परेचर कम है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मेरी बॉडी में से हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो उसे रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये वुलन क्लॉथ्स पहन रखे हैं कि हीट स्केप ना कर सके और मुझको ठंडी महसूस ना हो। ऐसे ही तीसरी जो चीज़ जो फ्लो करती है वो है हमारी करंट, यानी कि चार्ज। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अब इसका उल्टा करना है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक टैंक है। तो बच्चों, गर्मियों में हम सब लोग घर में कूलर यूज़ करते हैं, तो उस कूलर में ऊपर की तरफ एक टैंक टाइप का ऊपर पानी हम कलेक्ट करते हैं, जो फिर नीचे आता है और जो साइड में जो उसकी साइड्स होती हैं उसमें जो ग्रास होती है उसको वो गीला करता है, जिससे कि हमें ठंडी हवा यहाँ पे मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए, कूलर के लिए हमें पंप यूज़ करना पड़ता है। अब बेसिकली हुआ क्या कि ये नीचे ऊपर से वाटर अपने आप फ्लो करके नीचे आ गया, लेकिन नीचे से वापस ऊपर ले जाने के लिए आपको नीचे हाई प्रेशर क्रिएट करना होगा। अब ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको वर्क डन करना होगा, ठीक है। और ये जो वर्क डन जो एनर्जी देता है वो पानी को, वाटर को दोबारा ऊपर फ्लो करके ले जाता है। तो अब पंप जो कूलर में लगा हुआ है वो हमारा एक कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, वाटर को ये ऊपर ले गया, वाटर अपने आप नीचे फ्लो करके आ गया, फिर ये पंप ऊपर ले गया, फिर ये अपने आप फ्लो करके आ गया। ऐसा ही कुछ हमारा सेल करता है, ठीक है। अब हम देखें तो एक सर्किट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हमें करंट देनी है। अब जब ये करंट देनी है तो ये हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर सेल होता है। इस सेल के अंदर यहाँ पर हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है। ये आप अपने घर के अंदर जो बैटरी है उसमें चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर ये इस तरीके से हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से एक हमने यहाँ पर क्या लगा रखी है, की। की का मतलब जिससे हम सर्किट को क्लोज ओपन करेंगे, यानी अगर हमने यहाँ पे की को क्लोज कर दिया तो सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो करने लगता है, और इसको ओपन कर देंगे तो नहीं फ्लो करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया एक अमीटर, अमीटर हमें क्या बताता है, करंट, ठीक है। और यहाँ पे सेल के अक्रॉस हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। इसके अंदर यहाँ पर ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हम बैटरी में यूज़ करते हैं, और वो वहाँ पर पानी में जाकर वो अपने आयंस में टूट जाते हैं और उसमें आयंस फ्लो करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो टेंथ में जब आपने पढ़ा था तो एक प्लेट यानी कि अब एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है,
अगर आपको चेक करना हो तो आपके घर में जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल देखेंगे आप, उसे निकालेंगे तो ऊपर की तरफ जो कैप होता है उसके पास में प्लस साइन बना होगा, और जो बॉटम जो फ्लैट होता है नीचे वहाँ पर नेगेटिव साइन बना होगा। तो वो पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे ही आप घर में जब इन्वर्टर की बैटरी को देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर दिखेगा। तो रेड वायर जो हमारा कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ब्लैक वायर जहाँ कनेक्टेड है वो हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बच्चे, अब बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ वो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टैंक में जो पानी है वो अपने आप नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर था नीचे लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये अपने आप आ गया। अब नीचे लो प्रेशर है ऊपर हाई प्रेशर है, तो इसे वापस ले जाने के लिए इस पंप से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, और वो प्रेशर बढ़ाने का मतलब यानी कि मैंने वहाँ पे वर्क डन किया, एनर्जी खर्च करी, और पानी को दोबारा से नीचे से कहाँ ले गया मैं, ऊपर ले गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा पंप काम करेगा। ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि यहां पर जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो ये प्लस से यानी कि जैसे यहां पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी नीचे आ गया, वैसे ही हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर गया। अब ये करंट यहां आकर रुक जाएगा अगर हम इसको एनर्जी नहीं देंगे पंप की तरह। तो यहां पर जैसे ये पंप है वैसे ही हमारा ये सेल है, और जो ये सेल है वो यहाँ पर इसको क्या देगा, एनर्जी देगा, जिससे हमारा चार्ज अंदर भी फ्लो करेगा। यानी कि ये पहले प्लस टू माइनस गया, माइनस टू प्लस यानी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत पड़ी। जैसे इस पूरे फ्लो को मेंटेन करने के लिए पंप काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर सेल काम कर रहा है। तो सेल एक हमारा पंप है जो पूरे फ्लो को मेंटेन कर रहा है और चार्ज को लगातार एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अब ये जो टोटल एनर्जी जो हमें यहाँ पे मिलती है वो टोटल एनर्जी जो होती है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अब ये एनर्जी दो तरीके से खर्च हुई। हम सेल क्यों लगाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चलाने के, कोई भी डिवाइस है उसको ऑपरेट करने के लिए। जैसे मुझे एक बल्ब है, एलईडी है, फैन है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी भी चीज़ को मैं चलाना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सेल उसके लिए एनर्जी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ क्या है, जैसे हमारे पास में हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी, अब हमने उसका रेट देखा भैया वो 100 रुपीज़ की है, तो वो कॉस्ट तो उसकी 100 रुपीज़ है, लेकिन वो मेरे घर तक भी तो आएगी। तो घर तक आने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है भैया कि डिलीवरी चार्ज जो है वो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप शॉप पे जाके खरीदो तो 100 रुपये की, आपको अपने घर बुलानी है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा, तो हिडन चार्ज है। बेसिकली आपका जो सामान है वो 100 रुपये का है, लेकिन खर्च कितना करना पड़ेगा आपको, 120, क्योंकि वो 20 रुपीज़ आपको वापस उस सामान को मंगाने के लिए भी तो चाहिए। सेम उसी तरीके से हमारी सेल जो वोल्टेज देती है या एनर्जी देती है वो भी दो काम कर रही है। तो जो एक्चुअल एनर्जी हमको मिलती है डिवाइस को चलाने के लिए, जैसे डिवाइस क्या, फैन या हमारा बल्ब या हमारा मोबाइल, वो हमें वी मिलती है। तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल को आप दो तरीके से डिनोट करते हैं, कहीं पर आपको ये एप्सिलॉन, कहीं पर ये ई, इस तरीके से यूज करते हैं। ये जो वी होता है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वो वोल्टेज है जो मुझे डिवाइस को चलाने के लिए मिली। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो 20 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए घर मंगाने के लिए, तो अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यार भैया करंट तो प्लस से माइनस घूम जाएगा, माइनस से प्लस कौन घुमाएगा, तो माइनस को प्लस को घुमाने के लिए भी मुझे वोल्टेज चाहिए। जैसे सामान मंगाने के लिए मुझे 20 रुपये चाहिए थे, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब वो कहाँ पे आएगी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है
इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। यानी कि एक और टर्म हमारे पास आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम स्मॉल आर। ठीक है, अब हुआ क्या कि ई एक वोल्टेज है। जैसे आप कोई बाजार से कोई सेल खरीद के लाते हैं, आप देखिएगा जो आपके घर में जो सेल होगा उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। आपके लैपटॉप की जो बैटरी होगी या जो चार्जर होगा उस पर एक वोल्टेज लिखी होगी 12 वोल्ट, 10 वोल्ट। आपके फोन में जो बैटरी है उस पर एक वोल्टेज लिखी होगी। तो कितने वोल्ट की जो बैटरी है वो उसका कौन है? ईएमएफ। तो अब जैसे मेरे सेल 1.5 वोल्ट का है तो मुझे यूज करने के लिए 1.5 वोल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ पार्ट मेरे का खर्च होगा किसमें? सर्किट को कंप्लीट कराने में। और वो कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। तो जब ये सेल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी IR, और जो बाहर जो वोल्टेज है इसमें करंट जाएगा तो V=IR। ठीक है, तो सेल ने दी कितनी, जैसे मैंने खर्च कितने की 120 रुपये, सामान कितने का आया 100 रुपये का, 20 रुपये सामान को मंगाने के। सेम उसी तरीके से यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है? ई, जिसमें से मेरे काम का कितना है? वी, लेकिन मुझे जबरदस्ती खर्च करना पड़ा V- यानी कि IR। तो यानी कि जैसे ये 120 रुपये जो मैंने टोटल एक्सपेंस बताया वो EMF हो गया, जो मेरा सामान आया यानी जो मैंने यूज़ किया वो V यानी कि 100 रुपये हो गया, और उसको मंगाने का खर्चा यानी कि IR। आर नहीं बोल रहा हूँ, IR बोल रहा हूँ, क्योंकि I को जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तब वोल्टेज बनती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि सेल जो हमें टोटल वोल्टेज या जो टोटल एनर्जी वो देता है उसको हम मेज़र करते हैं किसके टर्म्स में? E के टर्म्स में। E मतलब EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम है फोर्स, काम है एनर्जी या वोल्टेज। ठीक है, नाम फोर्स रखा गया इसका, लेकिन बेसिकली ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज हमें दो पार्ट्स में मिलती है, V और ये IR। ये V डिवाइस को चलाती है और ये जो IR होती है ये सर्किट को कंप्लीट करती है। तो जब आप बुक्स में पढ़ेंगे या यहां पर भी पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन जो होती है वो V=E-IR इस तरीके से पढ़ी जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और डेफिनेशन। अब जैसे आपसे पूछते थे डिफाइन, ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको जो सेल के ऊपर पूछा जाता है। डिफाइन क्या डिफाइन करना है? EMF ऑफ सेल। डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलें तो अगर मैं I को जीरो कर देता हूँ तो जब I जीरो हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा और V किसके इक्वल हो जाएगा? E के। यानी कि I जीरो का मतलब यानी कि सर्किट को मैंने यहां पर क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है। ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो, सर्किट टूटा हुआ है, करंट फ्लो नहीं कर रही। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये जो रीडिंग देगा V किसके इक्वल होगा? E, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। यानी कि जब हम करंट नहीं लेते हैं तो जो टर्मिनल्स होते हैं सेल पर जो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज उसके अक्रॉस होता है जो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा वो ये होगा। जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज कर दूंगा यानी कि अब मैंने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब मैंने करंट लेना शुरू कर दिया। अब करंट लेना शुरू कर दूंगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे हमारे पास टोटल वोल्टेज यहां पे ई की सपोज करिए कितनी थी? 1.5 वोल्ट। तो अब जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो पहले से कम हो जाएगी। सपोज कीजिए ये हो गई 1.3 वोल्ट, तो डिफरेंस दोनों का कितना आया? 0.2 वोल्ट। अब ये कहां चली गई? ये रीडिंग कम क्यों हो गई? ये वाले जो 0.2 वोल्ट है वो कहाँ चला गया? सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने पर ये सर्किट को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। और सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो
करंट फ्लो करने लगती है। तो यानी कि हमारे पास में तीन चीज़ें हो गई, 1.3 वोल्ट टर्मिनल पीडी हो गया, टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो गया, और ये 0.2 वोल्ट यानी आईआर की वैल्यू ये कहाँ चली गई, सेल के अंदर। तो यहाँ पर अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और जब हम करंट ड्रॉ करते हैं यानी इन ए क्लोज सर्किट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास में है इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में मेटल के अंदर रेजिस्टेंस को पढ़ा था, यहां पे हम इसको पढ़ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आर, स्मॉल आर से डिनोट होता है, और ये सेल के अंदर होता है। तो यानी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये करंट के रास्ते में यानी जो आयंस होते हैं उनको फ्लो करने से रोकता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन या लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी इसको रोकती है। ठीक है, तो वो विस्कोसिटी आयंस को फ्लो करने में रोकेगी, एक रुकावट पैदा करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल के अंदर होता है। अब इस पर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इन द पाथ ऑफ द करंट। द ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर्स मतलब कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारे पास में जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पे आप ये जो डी देख रहे हैं, ये डी जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो आपने देखा हो आपके घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी कनेक्ट होती है बड़ी सी, उसमें कई सारे कैप्स लगे होते हैं। आप कभी कैप खोल के देखिएगा, उसके अंदर झांक के देखिएगा, तो उसमें पतली पतली प्लेट्स लगी हुई, उन प्लेट्स को पास पास रखा गया है। उन प्लेट्स को पास पास क्यों रखा गया है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम उनको पास पास लेकर आएंगे तो पास पास लाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आयन है वो जल्दी पहुँचेगा, जल्दी पहुँचेगा, करंट आसानी से फ्लो करेगी। आसानी मतलब यानी कि इजी फ्लो का मतलब हो गया कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम किया, रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, अगर हम उसे दूर कर देंगे तो आयंस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट मिलेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्लेट्स को पास पास लगाया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास में एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन लिक्विड। तो आपने कभी देखा है बैटरी को हमें रेगुलरली चेक करना होता है, या जो मेंटेनेंस वाले होते हैं बैटरी को मेंटेनेंस करते हैं, तो कई लोग अपने आप आके जो है दुकान से जो उनका आपके साथ में टाई अप होता है, तो आपके घर में जो बैटरी होती है वो लोग आगे चेक करते हैं या हम ही लोग अपने आप चेक कर लेते हैं कि उसका पानी जो है लिक्विड का जो लेवल जो है वो कम तो नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब ये लेवल कम हो जाएगा
तो हमारे पास में जो एरिया होगा उसमें कम आयन कलेक्ट हो पाएंगे, कम आयन कलेक्ट होंगे, चार्ज कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा, तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर बैटरी के अंदर एक लेवल मेंटेन करके रखना होता है, जिससे हमारी जो प्लेट्स होती हैं या जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रहें। तो उससे क्या होगा कि प्लेट के पूरे एरिया पे हम आयंस को कलेक्ट करेंगे, आयंस को ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो भैया सीधी बात है चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो आपकी जो बैटरी है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है, और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोड का डूबा रहना चाहिए जिससे रेजिस्टेंस कम होता है। और पास में क्यों रखते हैं, जिससे आयंस का फ्लो इजी हो जाए और अगेन रेजिस्टेंस कम हो जाए। तीसरा फैक्टर जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, फिर दोबारा से हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड यहाँ पर जो फैक्टर है। तो पहला फैक्टर आप देख चुके हैं, इसको हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया नंबर वन डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन लिक्विड। एरिया ज़्यादा इमर्ज्ड होगा रेजिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम पास पास होंगे अगेन रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा फैक्टर होता है हमारे पास में टेम्परेचर। ये मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी। वो विस्कोसिटी जो है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस इजी फ्लो ऑफ आयंस होता है, ठीक है, और हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो हमने बनाया है। तो अगर हमारे पास में हम उसमें ज़्यादा सॉल्ट डाल देंगे तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमें कंसंट्रेशन बहुत कम भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, उसका अपना एक लेवल होता है, वो कंसंट्रेशन यहाँ पे अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास में नेचर, अब नेचर किसका, एक इलेक्ट्रोलाइट जो आपने उसमें मिलाया है और एक इलेक्ट्रोड्स जो हमने टर्मिनल्स की तरह यूज़ किए हैं। इनका जो मटेरियल होता है ये अलग अलग हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोड्स आप जिंक के, लेड के, कॉपर के, आयरन के, अलग अलग मेटल्स के बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और भी ऐसे सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हमने वहाँ पर सेल के अलग अलग EMF निकाले थे। तो ये यहाँ पर जो चीज़ है, जो नेचर है, वो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है कि अलग अलग सब्सटेंस यूज़ करने पर EMF कितना बनेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ और चीज़ें सेल के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे जो सेल है इसमें बोर्ड में कुछ ग्राफ आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर यानी सेल वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ बेस्ड, वो कैसे आते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो पहला ग्राफ देख रहे हैं वो है E versus R, ठीक है।
इन ग्राफ को पढ़ने से पहले जो फॉर्मूले यहां पर यूज होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया था, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। टर्मिनल पीडी का एक और फॉर्मूला होता है आई आर, ठीक है। अब यहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि हम आई की जगह पर वी अपॉन आर रखकर ये वैल्यू यहां पुट करके जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। तो ये दो फॉर्मूले तो ये हो गए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ई अपॉन वी माइनस आर आता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास में क्या है, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ का मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक ही सेल यूज करें, जैसे आप रिमोट में यूज करते हैं तो रिमोट में हमारे पास दो सेल होते हैं, एक आप सीधा लगाते हैं एक उल्टा लगाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक का प्लस टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक से ज़्यादा हम सेल क्यों यूज़ करते हैं, हमें ज़्यादा वोल्टेज मिले ज़्यादा करंट मिले। तो ऐसे ही टोटल ईएमएफ का मतलब अगर एक से ज़्यादा सेल है तो उन सब का सम हम करते हैं, और यहाँ पर होता है टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो भैया रेजिस्टेंस है, चाहे कौन सा हो, इंटरनल सेल के अंदर हो या एक्सटर्नल जो हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस है या सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये इंटरनल की अभी हम बात कर रहे थे, सेल के अंदर था और ये एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये आई का फॉर्मूला होता है, इसी में एक फॉर्मूला होता है वी का ई अपॉन हमारे पास में हो जाता है वन प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये टर्मिनल पीडी और आर। अब देखिए यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि यहां पर ये दो फैक्टर होते हैं ई और स्मॉल आर। यहां पे जैसे ही हमारे पास करंट है, वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, ये हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सर्किट में अगर आप अलग अलग डिवाइस लगाते हैं, अब जरूरी तो है ना कि मैं अपना जो सेल है वो रिमोट में ही लगाऊं। आपने देखा होगा छोटी छोटी टॉर्च आती हैं और जैसे टॉयज आते हैं और भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आती हैं जिसमें हम सेल यूज करते हैं, तो एक ही सेल जरूरी तो ना कि एक ही डिवाइस में लगेगा। अब वो अलग अलग डिवाइस में लगेगा तो अलग अलग डिवाइस का रेजिस्टेंस भी अलग होगा। तो आर जो है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से करंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वी चेंज हो जाएगा, लेकिन ई और आर चेंज नहीं होता। ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने जब सेल बनाया तो सेल में जो चीज़ें आपने यूज़ करी, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके बीच में डिस्टेंस, एरिया, ये सब बन के तैयार हो गया, तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर हम देखें तो हम कोई भी डिवाइस यूज़ करें सेल के साथ में तो हमारा ईएमएफ जैसे 1.5 वोल्ट है सेल का, वो चेंज नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये सारे फॉर्मूले मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा अभी, ठीक है। तो पहले हम ई का रिलेशन आर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर मैंने सेल के रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज किया तो सेल के ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने से ईएमएफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस यानी कि ये जो एक्स एक्सिस पे हमने आर लिया है इसके पैरेलल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भैया जी यहाँ पर ये दो पॉइंट हम ए और बी ले रहे हैं, हमने आर वन आर टू रेजिस्टेंस लिया, लेकिन सेल का ईएमएफ ए पॉइंट पर भी ई है और बी पॉइंट पर भी ई है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज करने से ईएमएफ चेंज नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ग्राफ देखें तो ये ई वर्सेस स्मॉल आर होगा, तो अगेन ग्राफ यही आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा ग्राफ जो आता है वो आता है वी वर्सेस किसके, कैपिटल आर। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आप आर की वैल्यू जीरो डालिए,
जब r की वैल्यू आप जीरो डालेंगे तो यहां पर v जो है वो हो जाएगा e 1 प्लस आर अपॉन जीरो, यानी कि e 1 प्लस इन्फिनिटी। ये 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब यानी कि ये जीरो आएगा, यानी कि इसका मतलब r जब जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो है। अगर मैं यहां पर r की वैल्यू इन्फिनिटी डालता हूं, इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सर्किट में करंट को जीरो हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जब करंट जीरो हो जाता है तो जो टर्मिनल पीडी होता है वो ई के इक्वल हो जाता है। वही चीज देखिए दोबारा से अब यहां पे इस फॉर्मूले में आएगी। अगर मैं यहां पर देखूं तो ई वन प्लस आर अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है और ये यहां पर ई के इक्वल हो जाता है। देखिए तो यहां आर इन्फिनिटी का मतलब करंट जीरो है और V जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, E के। तो अब इस पर ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो तीसरा ग्राफ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो यहां पर इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारे पास में ये ग्राफ कैसे आएगा। इस ग्राफ में यानी कि ये ग्राफ जो है V वर्सेस R का ग्राफ है। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और ये ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ किया वो मैंने समझा दिया। ये आपको अगर केवल ड्रॉ करने आता है तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये ग्राफ जो होता है इस तरीके से जाता है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आगे जाकर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं तो टर्मिनल पीडी बढ़ता जाता है, करंट सर्किट में कम होती जाती है, तो लास्ट में जाकर यहां पर ये ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अभी हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास में एक ग्राफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो उसके लिए ये ग्राफ के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो ये जो नेक्स्ट ग्राफ है इट इज वी वर्सेस आई ग्राफ फॉर अ सेल। अब देखिए यहां पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमने एक वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ ओम्स लॉ में भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस के लिए भी पढ़ा था, लेकिन वो ग्राफ अलग अलग है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझ के चलिए कि हमने एक रेजिस्टेंस को फिक्स करके उस पर अलग अलग बैटरी लगाते थे। पहले 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो हम वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, तो उसके रेस्पेक्ट में करंट बढ़ती जा रही है क्योंकि हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ है, या सेल एक ही है, उस सेल से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, वहां रेजिस्टेंस को सेम रखकर हम अलग अलग बैटरी लगा रहे हैं, तो यहां उल्टा हो रहा है, हम एक ही बैटरी में अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। जब हम अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था करंट का, तो इसमें आर प्लस आर था, तो जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं कि ई और आर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू को बढ़ाने से करंट को कम होना चाहिए क्योंकि आर हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस को लगाने से करंट और टर्मिनल पीडी में चेंज आता है। अब ये ग्राफ खींचते कैसे हैं, तो जैसे मैंने भी आपको ये इक्वेशन बताई थी वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा, इस पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ करंट या टर्मिनल पीडी वर्सेस द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। ठीक है, और यहां पे हाउ कैन यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस एनी ईएमएफ ऑफ सेल। इस ग्राफ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी सेल का और ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, तो दो चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ हम यहां पर खींच रहे हैं। तो जब हम यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा रीशफल कर रहा हूं यानी कि चीजों को आगे पीछे कर रहा हूं।
और ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी, तो वी इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई। अब हमारे पास में मैथ्स की एक इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन होती है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इसमें वाई एक्सिस पर वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन है। अगर ये कोई भी दो क्वांटिटी इस रिलेशन को फॉलो करती हैं तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर हमारे पास में स्लोप, ये एम क्या कहलाता है, स्लोप टेन थीटा जो माइनस आर है यानी कि नेगेटिव स्लोप है। दूसरा यहाँ पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू सी जो किसके इक्वल है, ई के। तो जब हम ये ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो पहली चीज तो ये ग्राफ आया कैसे वो समझ लेते हैं। यहां पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है यानी कि 10 थीटा नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा ये इंटरसेप्ट कट रहा है, तो ये यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो y एक्सिस पर मैंने v लिया हुआ है, तो यानी y वेरिएबल मेरा v हो गया। x एक्सिस पे मैंने करंट लिया हुआ है तो ये i हो गया। यहाँ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कहलाता है, तो ये c जो है वो e के इक्वल हो गया। और जो जो स्लोप है, स्लोप यानी कि ये माइनस r, यानी ये टेन थीटा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब टेन थीटा जब हम निकालेंगे तो माइनस r के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर tan थीटा यानी कि इसी को अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना करें, तो ये m कहलाता है, तो m का मैग्नीट्यूड यानी कि tan थीटा का मैग्नीट्यूड जो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। तो ये c जो है वो e के इक्वल हो गया, और tan थीटा यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें tan थीटा का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। यानी कि अगर हम किसी सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, और वो कैसे चेंज करेंगे, हम रेजिस्टेंस को चेंज करके, हम अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो टर्मिनल पीडी चेंज होता जाएगा और करंट भी चेंज होती जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा निकल के आया, कैसे निकल के आया, ये कैलकुलेशन मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि इसमें आपको ये दिखाना होगा कि या ये बताना होगा कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस ग्राफ का ये जो ईएमएफ है वो ये इंटरसेप्ट बता रहा है, और जो स्लोप है वो हमारे पास में कहाँ क्या बता रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, ईएमएफ निकालना था, प्लस ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में आज इतना ही है। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको डिस्कस करी हैं ये बेसिकली थ्योरेटिकली चीज़ें, जिसे आप कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आपका मार्च में 23 में होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में।